देहरादून की मेयर और राज्यसभा सांसद रही स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा की जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में सड़क संसद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा पार्टी में निष्ठावान नेता होने के साथ ही समाज के लिए समर्पित महिला थी। सड़क से संसद तक ये मनोरमा जी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि है और उन्होंने सड़क के संघर्ष से संसद तक पहुंची और उनकी स्मृति में जो है देहरादून सड़क से संसद तक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। मैं आयोजक गणों को बहुत धन्यवाद देता हूं और मनोरमा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि वो एक ऐसी महिला थी जो कि सड़क से लेके संसद तक पहुंची। उनका संघर्ष ये उत्तराखंड कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने 40 साल अपने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, उन्होंने उत्तराखंड को B2 का दर्जा दिलवाया है और हमारी ONGC जो पॉलिटेक्निक है वो भी उन्हीं की ही बचाई हुई है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, हमेशा उन्होंने हमें भी यही सिखाया है, परिवार के लोगों को भी यही सिखाया है कि हमेशा आपके द्वार जो भी इंसान आए, जो भी गरीब आए, जो भी कैसे भी मदद मांगने आए, तो आप हमेशा उनकी मदद कीजिएगा। उनका जीवन जो है पूरा लोगों के मामलों से, जन सरोकार के मुद्दों से जुड़ा रहा और इसीलिए उन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया उसको बहुत नीचे स्तर के पदों से स्टार्ट किया और राज्यसभा का सांसद बनना बिरले लोगों को मौका मिलता और उन्होंने राज्यसभा का सांसद के रूप में कांग्रेस के सांसद के रूप में काम करने का उनको मौका मिला और यहाँ के देहरादून आसपास के लोग उनको बहुत मानते थे और उनकी जब जब बरसी होती है तो उनको याद करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके इस कार्यक्रम में कोई राजनीति नहीं है, असली कांग्रेस का जो चेहरा है वो दिखाई देता है। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स के लोग आपको दिखाई देंगे। लालकुआ पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गांधीनगर पहुंचकर शहीद धर्मेंद्र गंगवार के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधवाया। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र गंगवार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिवार के किसी एक को नौकरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं और ये भविष्य का विषय है, ऐसे में उन्होंने बच्चों से वार्ता की और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ख्याल रखने को कहा। पूरी तरह से हर प्रकार की सहायता सरकार करती है। अभी तो क्रियाकर्म की जो अवधि है वो अभी 2-4 दिन और है, वो जब पूरा हो जाएगा कागज बनने हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी शहीद होते हैं उनके लिए जो प्राविधान है उसके अंतर्गत सारी चीज़ों का प्राविधान है। हमारी जो उनकी पत्नी है उनके लिए पेंशन है, बच्चों का अलग से ध्यान होता है, उनकी कई चीज़ें ड्यूज होते हैं वो ड्यूज मिलते हैं, तो सब चीज़ों का पूरा बंदोबस्त सरकार करती है। और मैंने आश्वस्त भी किया है परिवार को, अब जो होना था वो तो हो गया है, वो हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हो गए, तो उसके बीच में जो भी कहीं तकलीफ होती है, आपको कहीं पर भी परेशानी होती है तो व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर हमारा लेके सीधे फोन पर बात करें। उत्तराखंड में पिछले दिनों से हो रही अग्निवीर भर्ती को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भर्ती के मानकों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो मानक पिछले लंबे समय से सेना में भर्ती के लिए अपनाए जाते हैं वही मानक अभी भी अग्निवीर की भर्ती के लिए अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानकों को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। जैसी भर्ती आज तक होती थी वैसी ही भर्ती आज भी हो रही है, उसमें इतना भी परिवर्तन नहीं है। ये पता नहीं कैसी अफवाह आई, कैसी शंका पैदा करने की कोशिश करी, एक एक चीज देख ली हमने। अब ठीक है, मैं भी प्रथम हूँ, आप भी प्रथम हैं, आप भी प्रथम हैं, लेकिन इसमें जो मेरिट में आएगा वो आगे जाएगा। 100 में से 60% अगर हम अंकल आ रहे हैं तो हम प्रथम कहलाएंगे। जिसने 100 में से 70, 65, 80 जो लिया आया वो हमारी मेरिट में आ जाएगा, वो अंदर जाएगा। और जो बाहर रहेंगे बाद में 4 साल के बाद, उनके लिए एक से एक अच्छी योजनाएं हैं। व्यापार करना चाहें, सर्विस करना चाहें, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहें, तो उनको हाथों हाथ लोग लेने को तैयार हैं। अब हाइट की बात है, कोई मैंने कहा ना किसी मानक में कोई चेंज नहीं किया है। जो मानक उस समय के हैं वही मानकों पर आज भी हमारे अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। सर मैंने कल इसको साफ बोला भी है,
हमारे एक माननीय सांसद जी ने मुझे लिखित भी दिया था, उन्हीं के पत्र के आधार पर पूरी जांच कराई गई जिसमें कहा गया कि इतना भी परिवर्तन नहीं किया है। हाँ, ये मीडिया में कुछ बात आई है, कैसे बात आई है, भ्रम फैला है, कुछ लोगों ने गलत बात कह दी है, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं हुआ है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन के द्वारा डिस्पेंसरी रोड स्थित गांधी इंटर कॉलेज में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश का उज्जवल भविष्य वहां के शिक्षकों के हाथों में होता है। वे युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और देश के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास और भविष्य निर्माण की नींव डालते हैं। विकासखंड नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत तिमली के दुबल्याण और खनेटी गांव में बारिश से भारी तबाही का मंजर सामने आया है। 2 सितंबर की रात को दुबल्याण गांव में भीषण बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सुबह उठते ही ग्रामीण गांव की तबाही देखकर भौचक्के रह गए। दुबल्याण और खनेटी गांव के 1.5 दर्जन से अधिक खड़ी फसल वाले खेत आपदा की भेंट चढ़ गए। सूचना मिलने पर तहसीलदार, पटवारी सहित पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सुरक्षित मकानों में अन्यत्र शिफ्ट किया गया है और सहयोग के तौर पर प्रभावितों को चेक के जरिए सहायता राशि पहुंचाई जा रही है। ये अस्त-व्यस्त हो गया है, रात को मूसलाधार बारिश के कारण ये सब बहुत सारा नुकसान उनमें बारिश से नुकसान हुआ था। तो कल सुबह हमारी राष्ट्रवादी टीम ने और विभिन्न गाँव के टीमों ने यहाँ पर दौरा किया है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। राशन की सारी व्यवस्था कर दी गई है, रोड को ओपन कर दिया गया है और ब्लॉक और लाइन डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। राशन विभाग द्वारा क्षति का आकलन कर लिया गया है और आज हम जिनको जो मुआवजा दे सकते हैं उसका टीम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ महाविद्यालय के बीएससी अंतिम वर्ष की अंक तालिका में हुई गड़बड़ी से नाराज छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि 80% छात्रों को फेल दर्शाया गया है। छात्रों को 0 से 5 अंक दिए गए हैं और अंक तालिका की गड़बड़ी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। इस दौरान छात्रों ने अपनी समस्याएं स्थानीय विधायक मयूख सिंह मेहर के सामने भी रखी। विधायक ने विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता कर छात्रों की समस्या को शीघ्र दूर करने की मांग की। हमारी समस्या है कि बहुत सारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री विषय में बहुत सारे बच्चों को अनियमित रूप से फेल कर दिया है और हमारा रिजल्ट उसकी वजह से पूरा खराब हो चुका है। तो हमारा पूरा 1 साल बर्बाद जा रहा है। हम ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ये मांग करते हैं या फिर हमारी कॉपियों को ढंग से चेक किया जाए या फिर हमारे मार्क्स पे या फिर हमारे को पास करा जाए या प्रमोट किया जाए, क्योंकि सर हमारे साथ पूरा 1 साल बर्बाद चले जाएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चों का बीएड है, किसी ने दूसरी जगह के पंतनगर के फॉर्म निकाले, किसी ने एमएससी में एडमिशन लेना है, उन सबके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है सर। और ये हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हम पे थोड़ा ध्यान दे और हमारा 1 साल वेस्ट होने से बचाए। महाविद्यालय के बच्चे यहाँ पर आए हैं क्रिकेट में और जो निकाला है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज प्रथम बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 0 नंबर दिए जा रहे हैं, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं की लापरवाही है। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनकी कॉपी को रिचेक कराया जाए या फिर उनका पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और उनको इसी सत्र में प्रवेश प्रारंभ होने से पहले इनका रिजल्ट निकालकर इन्हें अगली कक्षा में जाने के अवसर प्रदान किए जाए। हम इनकी मांग से सहमत हैं, हमने कुलपति से बात करी है और कुलपति कहते इनका कहना है कि हमने उसके रैंडम चेकिंग कराई है जो हम अपने पक्ष में अवसर ठीक बताते हैं, पर आज हर कोई अगर थोड़े विचार इस पर विचार करे या उसमें मन्नत ध्यान से सोचे तो कि आज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 0 दिया जा सकता है।